दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में हर कोई सूरज की चिलचिलाती धूप से परेशान होने लगता है। इस चिलचिलाती धूप से बचने के लिए आप जा सकते हैं पहाड़ों में, जहां पर आप ठंडी हवा के मजे ले सकते हैं। तो आज मैं आपको 10 लोकेशंस बताऊंगी जहां पर आप अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप एक ब्रेक लेना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, तो आप इन ठंडी ठंडी जगहों की लिस्ट पे एक बार जरूर नज़र डालें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि अरावली की सर्वोच्च पहाड़ियों पर बसा हुआ है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर के साथ साथ जैन और हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। नियरेस्ट एयरपोर्ट है यहाँ के लिए उदयपुर और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है अबू रोड। यहाँ आप नक्की लेक, दिलवारा टेम्पल्स, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भी वाटरफॉल्स वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। दक्षिण भारत के केरल में बसा मुन्नार एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसे दक्षिण भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। हिल स्टेशन की पहचान है यहाँ के विस्तृत भूभाग में फैली चाय की खेती, छोटी नदियाँ, झरने और ठंडा मौसम। ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग के लिए यह जगह बहुत ही आदर्श है। नियरेस्ट एयरपोर्ट है यहाँ के लिए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है एर्नाकुलम एंड अलुवा। यहाँ आप मुन्नार टी म्यूजियम, अत्तुकुड वाटरफॉल, टाटा टी म्यूजियम, कुंडाला डैम एंड लेक विजिट कर सकते हैं। ऊटी दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा एक बहुत ही सुंदर सा पर्यटन स्थल है। इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। ऊटी में बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जिन्हें देखने के लिए देश के साथ साथ विदेशों से भी भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोयम्बटूर और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मेट्टुपुलायम। यहाँ आप नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ऊटी लेक, ऊटी रोज गार्डन और भी बहुत सारे पॉइंट कवर कर सकते हैं। नैनीताल खूबसूरत पहाड़ी वादियों में बसा बहुत ही लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है। यहाँ के ऊंचे और खूबसूरत पहाड़, झीलें, मंदिर और चारों तरफ फैली हरियाली आपको नैनीताल का दीवाना बना ही देगी। इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। अगर आप रोज के शोर शराबे से परेशान हो चुके हैं और कुछ दिन के लिए इन सब से दूर जाना चाहते हैं, तो नैनीताल एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। नैनीताल के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है पंतनगर और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है काठगोदाम। यहाँ आप नैनी लेक, नैना देवी मंदिर, माल रोड, स्नो व्यू पॉइंट, टिफिन टॉप, पंगोट घूम सकते हैं। अंडमान, अगर आप छुट्टियों में किसी ऐसी जगह जाने की सोच रहे हैं जहां हरियाली, पानी और शांत वातावरण हो, तो अंडमान और निकोबार से बेहतर जगह कोई और हो ही नहीं सकती। अनेक छोटे छोटे द्वीपों और कई पर्यटन आकर्षणों से घिरा अंडमान दुनिया का सबसे पसंदीदा हनीमून और छुट्टियां बिताने का स्थान है। यहां सैलानियों को स्कूबा डाइविंग का मौका मिलता है जिसमें वे पानी के नीचे बसे जीव और अन्य प्रकार के पौधे देखते हैं। यहां का नियरेस्ट एयरपोर्ट है वीर सावरकर, जिसे पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे आप हेवलोक आइलैंड, सेलुलर झील, जॉली बॉय आइलैंड, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क वगैरह घूम सकते हैं। मसूरी पहाड़ियों की रानी के रूप में लोकप्रिय है जो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। यह हिल स्टेशन शिवालिक पर्वतमाला और दून घाटियों के अद्वितीय दृश्य प्रदान करता है। यह जगह यहाँ बहने वाले खूबसूरत झरने प्रसिद्ध है जिसमें कैम्पटी झरना, झरी पानी झरना, भट्टा झरना और मौसी झरना की भी आता है। नियरेस्ट एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है देहरादून और बाय रोड 287 किलोमीटर है दिल्ली से। यहाँ आप कैम्पटी फॉल, माल रोड, गन हिल, भट्टा फॉल, धनौल्टी, कंपनी गार्डन, लाल टिब्बा घूम सकते हैं। दार्जिलिंग भारत के राज्य पश्चिम बंगाल का एक खूबसूरत शहर है। यह सिर्फ चाय के लिए ही नहीं अपनी खूबसूरत वादियों के लिए भी जाना जाता है।
हाँ, अगर आप आए तो विश्व प्रसिद्ध हिमालय रेलवे का मजा जरूर लें। नियरेस्ट एयरपोर्ट दार्जिलिंग के लिए है बगटोगरा, जो कि 95 किलोमीटर है, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। यहाँ आप हैप्पी वैली टी स्टेट, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, टाइगर हिल, पीस पगोड़ा घूम सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित औली लंबे समय से टूरिस्ट और एडवेंचर पसंद करने वालों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। औली का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। यह एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है जो पूरी दुनिया में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। नियरेस्ट एयरपोर्ट है चमोली ग्रैंड एयरपोर्ट। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है देहरादून एंड ऋषिकेश। यहाँ आप जोशीमठ, चिनाब लेक, चित्रकुंड, औली आर्टिफिशियल लेक एंड गोरसन बुग्याल एंड क्वानी बुग्याल भी घूम सकते हैं। मनाली कुल्लू जिले का एक हिस्सा है जो कि हिमाचल की राजधानी शिमला से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पर्यटकों की पहली पसंद है और ऐसा हिल स्टेशन है जहां पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं। यहां आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। यहां आप पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, पहाड़ों पर आप बाइक भी चला सकते हैं और बर्फ का मजा तो आप यहाँ पे ले ही सकते हैं। मनाली के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुंतर, जो कि 50 किलोमीटर है, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन। यहां आप हडिम्बा देवी टेंपल, सोलंग वैली, माल रोड, रोहतांग पास, वशिष्ठ बात, मणिकरण और कुल्लू घूम सकते हैं। नंबर वन लोकेशन पे है लद्दाख। लद्दाख इंस नदी के किनारे पर बसा लद्दाख जम्मू और कश्मीर राज्य का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। सुंदर झीलें और मठ मन को सम्मोहित कर देने वाले परिदृश्य और पहाड़ की चोटियां यहां की आकर्षक विशेषताएं हैं। लद्दाख बाइक प्रेमियों की सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह है। गर्मियों में यहां जाना राहत भरा रहता है। यहाँ पर आप तरह तरह की चट्टानों का लुत्फ उठा सकते हैं। लद्दाख के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है कुशुक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। नियरेस्ट रेल है जम्मू तवी। यहाँ पर आप पंगोक लेक, मैग्नेटिक हिल एंड ले प्लेस, चदर ट्रेक, शांति स्तूप, नमग्याल मोनेस्ट्री,